जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि आपका मिड टर्म का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर का है। मिड टर्म का पेपर है 2020-21 का, आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था, मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है। आपको पता है कि मिड टर्म से आपको क्या है, पेपर का जो है एक्यूरेट पैटर्न पता लग जाता है कि पेपर का जो पैटर्न क्या रहने वाला है ना। तो मिड टर्म का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि 5 से 6 क्वेश्चन, अगर देखो JNKE वालों का अलग अलग पैटर्न होता है और ग्वालियर जोन के होते हैं अलग पेपर होता है, पेपर का अलग अलग पैटर्न होता है दोनों का, ठीक है। इनका क्या रहता है, जबलपुर वालों का आपको पता है 15 MCQ इनके आते हैं, 15 MCQ विकल्प के रूप में आते हैं, जबकि जबलपुर वालों को बता रहा हूँ, और जबकि जो ग्वालियर वालों का है तो उनका आपको पता है 5 नंबर में MCQ आते हैं, 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, तो ऐसा कुछ पैटर्न रहता है, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि जो JNKE वाला है उसमें से मैं बता सकता हूँ आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, बिल्कुल इन क्वेश्चनों में आपको आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आपका कल मिड टर्म का पेपर है आपको रखे हुए मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिड टर्म के पेपर माने जाते हैं, इसलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी दोस्तों, और भी बहुत सारे मिड टर्म के पेपर आपके प्रीवियस ईयर के पढ़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके विजिट कर सकते हो, और आई बटन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी एग्रीकल्चर संबंधित न्यू डाटास के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी एग्रीकल्चर संबंधित न्यू डाटा मैं स्टोरीज में लगाते रहता हूँ, तो आप जाके वहां पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रीवियस ईयर का मिड टर्म का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका रहेगा, वो है उद्यान उद्यान विषय से। तो उद्यान विषय सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी द गार्डन थीम इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज, मतलब अधिक मात्रा में ऐसी कौन सी जो है मेथड जिसका उपयोग जो है गार्डन में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और व्यापक रूप पर किया जाता है, तो वो आपके आपको पता है कौन सी मेथड है ना। तो वो जो आपकी मेथड है वो है आपकी रेक्टेंगुलर मेथड, यानी षटभुजाकार विधि, आप इसको पता है ना, इसको रेक्टेंगुलर विधि, इसका उपयोग जो है सबसे ज्यादा गार्डन में इस विधि का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा इस क्वेश्चन पे है ना, ये रेक्टेंगुलर विधि इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है उद्यान विज्ञान में, रेक्टेंगुलर मेथड का व्यापक रूप पर यानी अधिक मात्रा में इसका जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड बोल रहा है कि कौन सी रेखा बगीचे को दो भागों में विभाजित करती है, यानी बगीचे को दो भागों में डिवाइड करती है, ऐसा बगीचा रहता है तो दो बगीचों को कौन सी ऐसी रेखा होती है जिसको दो भागों में डिवाइड करती है बगीचे को, गार्डन को, है ना। विच लाइन डिवाइडर्स गार्डन इंटू टू पार्ट्स, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में ही आता है, ठीक है। तो डिवाइड विच लाइन डिवाइड्स गार्डन इंटू टू पार्ट्स, तो भाई इसका आंसर क्या हो, कितने उस लाइन को क्या बोलेंगे, डिवाइडेशन लाइन यानी मंडल रेखा, या उसको फोकल लाइन या केंद्रीय रेखा, या उसको इमेजरी लाइन या काल्पनिक रेखा, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई, तो कौन सी रेखा बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं अपन डिवाइडेशन लाइन, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, दो भागों में विभाजित करती है गार्डन को, तो उसको बोलते हैं डिवाइडेशन लाइन, यानी ए जो है इस क्वेश्चन का आपका एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑटोकेड है ना, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ऑटोकेड अपने एडवांटेज पूछ रहा है, सॉरी एडवांटेज अपने से पूछ रहा है किसके, ऑटोकेड के। ऑटोकेड मतलब ये आर्किटेक्ट की दो मेथड होती है, आपको पता होगा ऑटोकेड होती है और एक होती है आपकी एडवांटेज केड, है ना, ये दो आपकी जो है इनकी मेथड होती है, ऑटोकेड और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं एडवांटेज केड, एक होती है आर्किटेक्ट केड, याद रखिएगा। तो एडवांटेज जो केड होती है, केड होती है, तो केड का मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, केड का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, लिख लीजिएगा। ऑटो केड का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब, और केड का मतलब होता है अपना कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ठीक है, केड का ये फुल फॉर्म हो गया। तो अब देखो जो ऑटो केड डिजाइनिंग होती है इसमें ये किस लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है, 2D डिजाइनिंग के लिए, आपको पता है 2D और 3D, तो 2G जो 2D डिजाइनिंग होती है, तो 2D जो डिजाइनिंग होती है उसमें ऑटो केड का उपयोग करते हैं, और जो 3D डिजाइनिंग होती है उसमें अपन आर्किटेक्ट डिजाइनिंग का उपयोग करते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, उसके नीचे ही अगर अगला क्वेश्चन आपको इसके बारे में मिलेगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो बट इस क्वेश्चन का यहाँ पे एडवांटेज पूछे हैं ऑटो केड के, है ना, ऑटो केड के अपने से क्या पूछे हैं, एडवांटेज। तो ऑटो केड के एडवांस दोस्तों इसमें पूछा है, तो ऑटो केड के जो है सारे एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, यानी जो है अपने ये ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव, यानी सभी ऊपर, यानी क्या होता है ऑटो केड में, तो 3D व्यूअर्स भी होती है, बट देखो दोस्तों स्पेशली सेकंड होती है, याद रखिएगा, स्पेशली अगर आपसे पूछे तो सेकंड जो है डिजाइनिंग होती है, 2D डिजाइनिंग होती है किसमें, ऑटो कैड में, ठीक है, याद रखिएगा, और 3D होती है किसमें, आर्किटेक्ट कैड में, याद रखिएगा। तो सेकंड किसमें होती है, ऑटो कैड में, बट अपने को इसमें स्पेशली 2D इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए अपन इसका आंसर क्या ले लेंगे,
ऑल ऑफ दिस, यानी क्रॉस जो है प्लेटफॉर्म भी होता है, तो इसलिए अपन दोनों ए सी आंसर नहीं लेंगे, इसलिए अपन जो है ऑल ऑफ दिस भी आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए डी जो है इस क्वेश्चन का हमेशा करेक्ट आंसर। बट अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता, इसकी जगह अगर 2D होता तो अपन फिर यहाँ पे, अगर 2D होता तो यहाँ पे इस ये आंसर लेते, अपन ये नहीं लेते बाकी आंसर, ठीक है। इसलिए याद रखिए इस क्वेश्चन का आपका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, ये पूछ रहा है भाई कि फारसी और मुगल गार्डन के उदाहरण हैं। फारसी और मुगल गार्डन यानी पर्शियन गार्डन, फारसी गार्डन के ऊपर क्या बोलते हैं, पर्शियन गार्डन। तो द पर्शियन एंड मुगल गार्डन आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है भाई ये, है ना। आपको पता है गार्डन में दो प्रकार की शैलियां होती है, तो उसी में से पूछ रहा है। तो फॉर्मल गार्डन यानी औपचारिक गार्डन, या इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक गार्डन, या जो है स्वतंत्रता शैली के गार्डन, किसको, स्वतंत्रता शैली के गार्डन यानी फ्री स्टाइल गार्डन या वाइल्ड गार्डनिंग, ठीक है। तो किसका भाई, किसको रखा मुगल गार्डन और जो है अपने पर्शियन गार्डन किस में रखा गया है, तो मुगल गार्डन और अपने पर्शियन गार्डन को आपको पता है स्पेशली किस में रखा गया है, फॉर्मल स्टाइल में, याद रखिएगा किसमें, फॉर्मल गार्डनिंग में। ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इस पर भी क्वेश्चन पे स्टार लगा ले, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ए इस क्वेश्चन का आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा पर्शियन और मुगल किस में आते हैं, तो पर्शियन और मुगल औपचारिक गार्डन में आते हैं। अनौपचारिक में आपको पता है कौन कौन से गार्डन आते हैं, अनौपचारिक में सिर्फ एक ही एक गार्डन आता है जिसका नाम है जैपनीज गार्डन, याद रखिएगा जैपनीज गार्डन किस में आता है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल में आता है, ठीक है। जबकि फ्री स्टाइल में कौन कौन से गार्डन आते हैं, तो फ्री स्टाइल में आपको पता है रोज गार्डन आता है, कौन कौन से आते हैं, रोज गार्डन होते हैं, है ना। रोज गार्डन के बाद आपका जो है इंग्लिश गार्डन हो गया, ठीक है। रोज के बाद आपका इंग्लिश गार्डन हो गया, इंग्लिश के बाद आपका जो है लाल बाग हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। लाल बाग भी आपका किस में आता है, लाल बाग आपको पता है कहाँ, दिल्ली है ना, लाल बाग दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं लाल बाग दिल्ली में नहीं, सॉरी मैसूर कर्नाटका में है ना, मैसूर कर्नाटका में है आपका लाल बाग। तो ये तीनों को याद रखना है, स्वतंत्रता शैली के गार्डन यानी फ्री स्टाइल गार्डन कौन कौन से है, तो रोज गार्डन हो गया आपका, इंग्लिश गार्डन हो गया, और आपका जो है लाल बाग हो गया, ये तो दोनों फ्री स्टाइल के गार्डन है, ठीक है, अपने को याद रखना है। मैंने आपको जो है सारे गार्डन की जानकारी दी, क्योंकि वाइल्ड गार्डन आपको पता है, वाइल्ड गार्डन जो है अपना लंदन में स्थापित है वाइल्ड गार्डन, तो इनको अपने को याद रखना है। बाकी अपने को सिंपली याद रखना है कि भाई फारसी और मुगल किस में आते हैं, तो ये अपना औपचारिक गार्डन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे भी भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्टार लगा भाई, इंपॉर्टेंस पे 2 स्टार लगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अपने लिए। जैव शब्द यानी बायो, कौन सा शब्द, बायो एस्थेटिक्स, है ना, बायो एथेटिक्स, ठीक है, बायो एथेटिक्स शब्द की पूछ रहा है अपने से कि बायो जो एथेटिक्स प्लानिंग है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी, है ना, ये योजना है ना, जो कौन सी योजना, जैव सौंदर्य योजना, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे नियोजना नहीं है, यहाँ पे है योजना, शब्द जैव सौंदर्य योजना किसके द्वारा दी गई थी, तो किसके द्वारा, कि द टर्म बायो एथेटिक्स प्लानिंग वाज गिवन बाय, तो किसने दी थी भाई ये जो है योजना, तो ये जो आपको पता है किसने दी थी, है ना, तो ये दी थी अपने जो है प्रोफेसर लैंसलॉट होंगबिन ने, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने दी थी, द प्रोफेसर लैंसलॉट होंगबिन ने जो है ये अपने को टर्म दिया था, किस, कौन सा टर्म, जैव सौंदर्य योजना शब्द किसने दिया था, ये दिया था अपने प्रोफेसर लैंसलॉट होंगबिन ने, ये शब्द दिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है अपना आ सकता है, तो किसने दिया था, है ना, तो अपने को पता है किसने दिया, लैंसलॉट होंगमिन ने दिया, ठीक है। बाकी अपने को ये जो ली नेटरो हैं, तो ये ली नेटरो आपको पता है फ्रेंच गार्डन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और विकसित की, किसमें, फ्रेंच गार्डन में, तो फ्रेंच गार्डन में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, ली नेटरो करके जो अपने वैज्ञानिक हैं, तो इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किसमें, किसमें महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो रहा है आपका फ्रेंच गार्डन में, लिख लीजिएगा फ्रेंच गार्डन में, ठीक है, फ्रेंच गार्डन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका, है ना। बाकी आपको पता है जैव सौंदर्य योजना शब्द जो है लैंसलॉट होंगबिन ने दी थी, और विलियम जो रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट हैं, तो विलियम रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट है, तो उन्होंने पिक्चर स्क्वायर डिजाइनिंग पर काम किया था, किस पर, पिक्चर पिक्चर एक डिजाइनिंग पर काम किया था, या लिख लीजिएगा आप, पिक्चर डिजाइनिंग पे काम किया था, किसने किया था, विलियम रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पिक्चर डिजाइनिंग पे काम किया था, रॉबिन्सन का लिख लीजिएगा, पिक्चर डिजाइनिंग आप इसे पूछ सकता है कभी भी कि पिक्चर डिजाइनिंग पे काम किसने किया था, तो विलियम रॉबिन्सन ने पिक्चर डिजाइनिंग पे काम किया था, 19वीं शताब्दी में इन्होंने इस पर काम किया था, पिक्चर डिजाइनिंग पे, ठीक है ना। और डॉक्टर एम एस रंदा स्वामीनाथन, तो आपको पता ही है फादर ऑफ इंडियन में जो है हरित क्रांति के जनक, इनको ही माना जाता है ना। और लैंसलॉट हॉबिन्सन आपको पता ही है कि इन्होंने सौंदर्य शब्द दिया था, तो ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि जो है लकड़ी ईंट पत्थर आदि किसके उदाहरण हैं, यानी वुड ब्रिक्स स्टोन ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है भाई ये सब, मेजर एलिमेंट है या माइनर एलिमेंट है या अदर एलिमेंट है या नॉन ऑफ
अब तो किसके भाई जो आंसर है ये ईंट पत्थर और आदि, ये किसके आंसर है? तो ये जो अपने क्वेश्चन नंबर 7-6 है, तो इसका जब आपका एक्यूरेट आंसर है बी यानी माइनर एलिमेंट है। याद रखिए कैसे एलिमेंट है ये, जो है माइनर एलिमेंट है। कौन कौन से? ईंट पत्थर आदि कौन से कैसे एलिमेंट है? माइनर, इंपोर्टेंट है भाई क्वेश्चन, याद रखिएगा कैसे जो है माइनर एलिमेंट्स हैं, ठीक है? याद रखिए माइनर में कौन कौन से आते हैं, एक तो अपना जो है स्टोन्स हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे दिए भी नहीं है, स्टोन्स हो गया अपने जो है, ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गई, मेटल यानी धातु हो गई, घास हो गई, ग्रास हो गई अपनी, प्लास्टिक हो गया, वुड तो इसमें दिया, वुड यानी प्लास्टिक भी याद रखिए, प्लास्टिक कैसी, तो प्लास्टिक जो है मेजर एलिमेंट है, प्लास्टिक हो गया, और जो अपने टाइल्स वगैरह, मेटल वगैरह, धातु भी पूछ सकता है मेटल, तो मेटल कैसी है, जो है अपने छोटे तत्व है यानी माइनर एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा माइनर एलिमेंट्स है। जबकि मेजर अगर एलिमेंट्स की बात करें तो मेजर एलिमेंट्स में सिर्फ दो ही आते हैं अपने, प्लांट और वाटर, याद रखिएगा कौन कौन से आते हैं, प्लांट हो गया अपना और वाटर हो गया, ये पूछ सकता है अपने से, ठीक है? तो प्लांट और वाटर कैसे हैं, तो प्लांट और वाटर जो है मेजर एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, मेजर एलिमेंट है, और माइनर एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए वो सारे माइनस एलिमेंट्स है। और अपने से कुछ अदर एलिमेंट्स में पूछे तो अदर एलिमेंट्स में वही आते हैं अपने, लाइट्स वगैरह, लाइट हो गई, सैंड हो गई, तो ये सब चीजें जो अपने किस में आती हैं, अदर एलिमेंट्स में आती है, याद रखिएगा, ठीक है? बट इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि विकर्ण उद्यान विषयों में ग्रेड रेखाएं खींची गई हैं, विकर्ण उद्यान विषयों में ग्रेड रेखाएं, इन डायगोनल गार्डन थीम्स ग्रिड लाइन डाउन इट, यानी विकर्ण उद्यान विषयों में ग्रेड लाइन खींची जाती है, कितने डिग्री पर खींची जाती है वो ग्रेड लाइन, ठीक है? तो वो ग्रेड लाइन जो आपको पता है वो खींची जाती है आपकी 45 यानी डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45 का एंगल जो है इस पे अपनी जो है ग्रेड लाइन खींची जाती है, याद रखिएगा ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगाएं, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी उद्यान बसों में ग्रेड लाइन खींची जाती है, तो 45 डिग्रीज पर जो है ये लाइन खींची जाती है, सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 क्या बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि सराका इंडिका को आमतौर सराका इंडिका पर के रूप में जाना जाता है, यानी सराका इंडिका को किसके रूप में और किस रूप में भी जाना जाता है सराका इंडिका को, तो बनियान ट्री, अशोक ट्री, अर्जुन ट्री या पीपल ट्री। तो आपको पता है कि सराका इंडिका को अपन अशोक ट्री के रूप में जानते हैं, है ना, किसके रूप में, अशोक ट्री के रूप में, बी जो है आपका एक्यूरेट की जो है अशोक ट्री जो है सराका इंडिका, इसका बॉटनिकल नेम है सराका, अशोक ट्री का बॉटनिकल नेम आपने से कोई पूछे क्या है सराका इंडिका, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। बनियान ट्री का बॉटनिकल नेम आपने से कोई पूछे तो बनियान ट्री का आपको पता है फाइकस बेंगालेंसिस, किसका, बनियान ट्री का, किसका है, बरगद का, तो बनियान ट्री किसको बोलते हैं, बरगद को बोलते हैं, तो बरगद का फाइकस बेंगालेंसिस। अर्जुन ट्री का आपको पता है, अर्जुन ट्री का बॉटनिकल नेम क्या है, तो अर्जुन ट्री का आप लोगों को याद रखना है, अर्जुन ट्री का बॉटनिकल नेम है टर्मिनेला अर्जुना, क्या नाम है इसका बॉटनिकल नेम, टर्मिनेला लिख लीजिएगा, टर्मिनेला, टर्मिनेला अर्जुना, टर्मिनेला, ठीक है, सॉरी एक बार अपन इसको सही से टाइप करते हैं, टर्मिनेला, टर्मिनेला, ठीक है, टर्मिनेला अर्जुना इसका जो है बॉटनिकल नेम, किसका, अर्जुन ट्री का, टर्मिनेला अर्जुना, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेला अर्जुना किसका बॉटनिकल नेम है, तो अर्जुन ट्री का, है ना। और जो पीपल है आपको पता है पीपल का बॉटनिकल नेम क्या है, फाइकस, फाइकस रिलीजियोसा, किसका है, फाइकस रिलीजियोसा, ये पीपल का अपना बॉटनिकल नेम है, ठीक है, याद रखिए पीपल का बॉटनिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा, है ना। और बरगद, बरगद का आपको पता है फाइकस बेंगालेंसिस, सराका इंडिका आपको पता है किसका हो गया, बने इसका अशोक का, ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि बगीचे में अनौपचारिक किनारा, यानी बगीचे में जो अनौपचारिक किनारा निम्न में से किसके साथ किया जाता है, फॉर्मल एडिक हेज इन गार्डन इज मेड विथ विच ऑन ऑफ फॉलोविंग, यानी जो अपने किनारा बंदी की जाती है गार्डन में बगीचे में, तो किसके द्वारा की जाती है गार्डन में, तो स्टोन्स या ब्रिक्स यानी पत्थर और ईंट के द्वारा किनाराबंदी की जाती है क्या, या आपकी जो बजरी के द्वारा किनाराबंदी की जाती है, या प्लांट्स के द्वारा, या टाइल्स के द्वारा, किसके द्वारा किनाराबंदी की जाती है, तो आप समझ गए टाइल्स तो किसी भी हालत में आंसर नहीं होना, क्योंकि टाइल्स तो नॉन, टाइल्स का थोड़े अपन उपयोग करते हैं किनाराबंदी करने के लिए, ठीक है, और अपन जो है कंक्रीट यानी बजरी का भी उपयोग नहीं करते, तो ये दो अपने आंसर जो है गए, है ना, किस कौन कौन से, बजरी और टाइल्स अपने दो ऑब्जेक्टिव तो गए, अब बचे आपके पास स्टोन्स और ब्रिक्स और प्लांट्स। तो आपको पता है कि हेज और हेज के रूप में बहुत सारे प्लांट्स का अपन उपयोग करते हैं, है ना, किनाराबंदी करने के लिए आपको पता है, तो इसलिए अपन जो है इसमें क्या लेंगे, प्लांट्स, यानी जो किनाराबंदी के लिए अपन नॉर्मली किसका उपयोग करते हैं, प्लांट्स का उपयोग करते हैं, प्लांट्स यानी हेज का अपन उपयोग कर लेते हैं, हेज, एज, श्रब, इनका सब का अपन उपयोग करते रहते हैं, तो किनाराबंदी के लिए अपने प्लांट्स इंपोर्टेंट है, सी क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोकेड,
ऑटोकेड और आरके, देखो आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर में इसके बारे में बात की, तो यहाँ पे इसने पूछ लिया कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, इसलिए सेकंड बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑटोकेड और आर्चीकेड एंड एडवांस डिजाइनिंग आर यूज्ड, इनमें इनका यूज किस में किया जाता है भाई, ऑटोकेड और आर्चीकेड का? तो आपको पता है इसका उपयोग अपन लैंडस्केपिंग में करते हैं, है ना, किस में करते हैं, लैंडस्केपिंग में करते हैं, आर्किटेक्चर में करते हैं, डिजाइनिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अपने को पता है आर्किकेड का उपयोग हम 2D डिजाइनिंग बनाने में करते हैं और आर्चीकेड का उपयोग हम 3D डिजाइनिंग बनाने में करते हैं। याद रखिएगा ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, यानी जो है ऑटोकेड और आर्चीकेड का उपयोग हम किस में करते हैं, लैंडस्केपिंग में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इस टॉपिक पे आप में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं थ्योरी में, है ना, ऑटोकेड आर्किटेक्ट के बारे में लिखिए तो इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि रंगीन मछलियों से भरे पक्षी और तालों की गति और व्यवस्था किस सिद्धांत को दर्शाती है? द मूवमेंट एंड कल्टरिंग ऑफ बर्ड एंड पूल्स फिल्ड विथ कलर कलर्ड फिश सो बीच प्रिंसिपल, यानी जो कलर्ड फिश आपको पता है नॉर्मली अपन उद्यान में कलर्ड फिश डालते हैं ना, तो यही पूछ रहा है कि जो है रंगीन मछलियों से भरे पक्षी और तालों की गति व्यवस्था किस सिद्धांत को दर्शाती है, किस सिद्धांत को दर्शाती है भाई ये चीज, संरचना, टेक्सचर, मोबिलिटी, परिवर्तनीयता या प्रमुखता या असमंजस्यता, तो किसको ये प्रदर्शित करती है भाई अपनी जो है, तो ये अपनी जो है क्वेश्चन नंबर 11, ये अपनी प्रदर्शित करती है बी, यानी जो आपका मोबिलिटी को प्रदर्शित करती है, परिवर्तनीयता को प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती है, परिवर्तनीयता को, याद रखिएगा, किसको प्रदर्शित करती है, तो ये अपने को प्रदर्शित करती है परिवर्तनीयता को, मोबिलिटी को प्रदर्शित करती है, बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि काम सूत्र पुस्तक, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे, है ना, इंपोर्टेंट है। काम सूत्र पुस्तक के वत्स्यायन द्वारा वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ गार्डन मेंशन्ड बाय वत्स्यायन इन बुक इज कामसूत्रा, है ना, तो किसका उल्लेख है अपनी जो कामसूत्रा बुक है इसमें किसका उल्लेख है, किसका उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है आपको प्रमोदोद्यान, प्रमोद्यान, प्रमोद्यान का अपने को वर्णन मिलता है कौन सी बुक्स में, कामसूत्रा में, याद रखिएगा ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। कामसूत्र एक बुक है, तो इसमें जो है किसका नाम जो है मिलता है, तो ये जो है मिनसन इसमें प्रमोदयान, प्रमोदयान करके बहुत इंपॉर्टेंट उद्यान है ये, और जो है इसमें मिनसन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 क्या बोल रहा है कि बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था, द बुद्ध अटेंडेड हैज अंडर, मतलब जो बुद्ध थे भगवान बुद्ध, तो इन्होंने जो है किसके अंदर इनलाइजमेंट अंडर, यानी जो है किसके अंदर इन्होंने जो अपना क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था, कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो पीपल ट्रीज या जो है कदम का वृक्ष, है ना, कदम का वृक्ष, और आपका अशोक ट्री या नोन ऑफ अबब, तो किस किसके कौन से वृक्ष के बैठ के नीचे जो है इन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त किया था, है ना, किसके तो पीपल, याद रखिएगा, किसके, पीपल के वृक्ष के नीचे, यानी जो है फाइकस रिलीजी, वो सब वृक्ष के नीचे बैठकर जो इन्होंने ग्राम जो है ज्ञान प्राप्त किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है अपने से, इनके बारे में बिल्कुल पूछ सकता है, एक क्वेश्चन अपने को जो है रखा हुआ मिलेगा बोधि, भगवान बुद्ध से संबंधित, है ना। तो क्या है, पीपल ट्री, ठीक है, याद रखिएगा, पीपल ट्री। कदम ट्री आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, और अशोक ट्री जहाँ तक मेरे को अनुमान है शायद भगवान बुद्ध ने जो है अशोक ट्री के नीचे शायद इनका जो है देहांत, शायद मेरे हिसाब से, बट इसका एक्यूरेट अपने को पता नहीं है, तो अपने को कदम के बारे में पता है, तो भगवान जो है कृष्ण कदम से संबंधित है, तो ये जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चार चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि द्वीप की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, द्वीप यानी आइसलैंड कौन से गार्डन की विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन से गार्डन की विशेषता है भाई, द्वीप यानी आइसलैंड कौन से गार्डन की विशेषता है, तो इंग्लिश गार्डन, इटालियन गार्डन, पर्सियन गार्डन या जापानीज गार्डन, है ना। आप बहुत से लोग मेरे को पता है कौन से आंसर पे आप जो है ज़्यादा अधिकतर लोग जो है इंग्लिश गार्डन को चूज़ करेंगे या इटालियन, इनमें दो पे अधिकतर लोग आंसर लगा के आते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जो है द्वीप यानी आइसलैंड जो है अपना जापानीज गार्डन की प्रमुख विशेषता, याद रखिएगा, कौन से गार्डन की, जापानीज, जापानीज गार्डन की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है दोस्तों आइसलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर जैसे कि मुगल गार्डन की एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था जो है क्या है विशेषता, तो वो है बारादरी, यानी 12 दरवाजे मुगल गार्डन की प्रमुख विशेषता है। ऐसी जापानीज गार्डन की सबसे प्रमुख विशेषता अपने से कोई पूछे तो क्या है, वो है आइसलैंड, ठीक है, याद रखिएगा, आइसलैंड, और दूसरा होता है पैगोड़ा।
आइसलैंड के बाद इसमें उगता है पैगोडा। पैगोडा मतलब शिवालय टाइप का बना होता है जापानीज गार्डन में, ठीक है याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डी, है ना, इसका जो है डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की, जो है क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्यान की औपचारिक शैली है। उद्यान की औपचारिक शैली, औपचारिक शैली मतलब फॉर्मल स्टाइल है, ठीक है, वही पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। तो हिंदू बुद्धिस्ट गार्डन या जापानीज गार्डन या मुगल गार्डन या इंग्लिश गार्डन, तो किसकी जो दोस्तों कौन से औपचारिक शैली की गार्डन कौन सा है, औपचारिक शैली का गार्डन यानी फॉर्मल गार्डन कौन सा है। तो आपको पता पर्शियन गार्डन और मुगल गार्डन जो दो हैं ये फॉर्मल स्टाइल के गार्डन है। अब आप लगा लीजिए भाई ये पर्शियन और मुगल, तो मुगल सी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, यानी कौन सी शैली का है, फॉर्मल शैली के गार्डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 बोल रहा है कि भाई लाल बाग बोटेनिकल गार्डन है, यानी लाल बाग जो एक बोटेनिकल गार्डन है ये कहाँ पे स्थित है। तो लाल बाग याद रखिएगा, आपको पता है लाल बाग जो है बेंगलोर में स्थित, मैसूर में स्थित है, बेंगलोर के जो मैसूर शहर है वहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा। बी जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। अपने से कभी कोई पूछे कि लखनऊ में क्या स्थित है, ठीक है, लखनऊ में कौन सा गार्डन स्थित है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, याद रखिएगा कौन सा, नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन NGB, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। और बेंगलुरु में आपको पता है कि लाल बाग है। ऊटी में कौन सा गार्डन स्थित है भाई, ऊटी में, तो ऊटी में अपने से कोई पूछ ले कि बोटेनिकल गार्डन स्थित है ऊटी में, कौन सा, बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन आपको पता है कहाँ पे है, लखनऊ में, बट एक और बोटेनिकल गार्डन जिसका नाम है सिर्फ बोटेनिकल गार्डन नाम है उसका, तो वहाँ वो कहाँ पे स्थित है, वो ऊटी में स्थित है, याद रखिएगा ऊंची में, ऊटी में स्थित है, 55 हेक्टेयर में ये गार्डन फैला हुआ है, बोटेनिकल गार्डन कितने हेक्टेयर, 55 हेक्टेयर में, और 1000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको पौधे की प्रजातियाँ यानी वृक्षों की प्रजातियाँ जो यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है याद रखिएगा। और दिल्ली में आपको पता है कौन सा गार्डन, आपको ये बताने की जरूरत है नहीं, यानी ठीक लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो बी अपनों को याद रखना है लाल बाग, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की चाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई कि जो है कुल पुष्प निर्यात में अग्रणी देश है, पुष्प निर्यात में अग्रणी कौन है भाई, द कंट्री लीडिंग इन द टोटल फ्लोरिकल्चर एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो आपको पता है जर्मनी, इटालियन, नीदरलैंड या बेल्जियम, तो आपको पता है नीदरलैंड जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कितने परसेंट एक्सपोर्ट करता है, तो 68% याद रखिएगा, कितने परसेंट, 68% एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फ्लोवर्स एक्सपोर्ट करने में नीदरलैंड सबसे ज़्यादा, और वर्ल्ड का दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भी नीदरलैंड ही माना था क्योंकि फूलों की खेती की वजह से, ठीक है, तो नीदरलैंड जो 68% निर्यात करता है फूलों को वर्ल्ड में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कि जिसने दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल की स्थापना की, भाई किसने जो है, हु हैज एस्टेब्लिश द रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली एंड ताजमहल आगरा, किसने भाई इसकी स्थापना की। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेर शाह सूरी, किसके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई है ना, जो दिल्ली के जो देख दे रहे हैं ना लाल किला वगैरह सबके द्वारा, तो किसकी स्थापना की गई, तो वो थे आपके जो है कौन थे भाई, तो वो हैं आपके जो है शेर शाहजहां, याद रखिएगा शाहजहां जो शाहजहां ने जो है दिल्ली में लाल किला वगैरह और जो है आपके और भी जो है बाग दिए हुए हैं, लाल किला हो गया है ना, दिल्ली का लाल किला, आगरा के ताजमहल की स्थापना की, तो अपनों को याद रखना किसने किया, शाहजहां ने, जो गार्डन की बात कर रही है ठीक है, तो शाहजहां ने स्थापना की, अपने को याद रखना है ना। और अकबर का आपको पता है कि अकबर ने क्या किया, तो अकबर ने फतेहपुर गार्डन स्थापना की, लिख लीजिएगा दोस्तों मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ठीक है, अकबर ने किसकी स्थापना, तो अकबर ने फतेहपुर गार्डन खुला, और जो है निकरी गार्डन आगरा में है तो वो भी अकबर के द्वारा ही खोला गया, और टोम्ब गार्डन भी है तो अकबर के द्वारा ही टोम्ब गार्डन खोला गया, और सिकंदर गार्डन भी आगरा में ही है तो ये अकबर के द्वारा खोला गया, इनके अकबर के द्वारा चार गार्डन खोले गए थे, कौन कौन सी, फतेहपुर गार्डन, निकरी गार्डन, टोम्ब गार्डन और सिकंदर गार्डन, ये सब आगरा में ही है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है। जहांगीर ने क्या किया भाई, तो जहांगीर ने जो है शालीमार गार्डन जो आपको पता है श्रीनगर में है सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है, शालीमार गार्डन कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में, तो जहांगीर ने देखो इसकी स्थापना की थी कौन सी, शालीमार गार्डन की, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, तो ये जो है याद रखना है अपने को शाहजहां पे ही जाना है, अपने को आगरा जो अकबर पे नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 का बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किसी भी क्षेत्र चाहे वह बड़ा हो या छोटा, जिस पर किसी दृश्य या डिजाइन का बदलाव संभव या वांछनीय हो, किसके रूप में उसको किसके रूप में जाना जाता है, ठीक है किसके रूप में जाना जाता है भाई उसको,
तो वो आपको पता है उसको जाना जाता है लैंडस्केपिंग के रूप में। किसके रूप में? लैंडस्केपिंग के रूप में। यानी क्षेत्र छोटा हो या बड़ा, उसके दृश्य और डिजाइनिंग अगर उसमें हो गई है तो उसको अपन लैंडस्केपिंग भूदृश्य बागवानी बोलते हैं। लैंडस्केपिंग भूदृश्य बागवानी याद रखिएगा, ये ऑर्नामेंटल से संबंधित शब्द है। कई बार पूछा हुआ है कि ऑर्नामेंटल में जो किससे संबंधित पड़े, तो ऑर्नामेंटल में लैंडस्केपिंग सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। भूदृश्य बागवानी 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20, तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैंने जस्ट आपको बताई थी ना, जैसे जापानीज गार्डन की सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था आइसलैंड थी, ऐसे ही बारादरी सबसे इंपॉर्टेंट किसका फीचर है? तो बारादरी आपको पता है मुगल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। सी आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो किस क्या बोल रहा है कि कौन सा कारक उद्यान डिजाइनिंग को प्रभावित करते हैं? कौन सा ऐसा कारक है जो उद्यान डिजाइनिंग यानी जो आपका गार्डन डिजाइनिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? विच फैक्टर इफेक्टिंग इज गार्डन डिजाइनिंग? मानव पसंद यानी ह्यूमन की चॉइस इफेक्ट करती है, या टोपोग्राफी इफेक्ट करती है, या विरासत इफेक्ट करती है यानी हेरिटेज, या ऑल ऑफ दीज? तो आपको पता है कि यानी गार्डन डिजाइनिंग को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, वो करती है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी और इसके बाद एक और आता है, टोपोग्राफी और ड्रेनेज यानी जल निकास। ठीक है, याद रखिएगा, टोपोग्राफी और जल निकास ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं किसको? गार्डन डिजाइनिंग को। टोपोग्राफी जिसको आपको पता है इंग्लिश में ड्रेनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेनेज, याद रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ड्रेनेज। तो कौन प्रभावित करते हैं? तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं टोपोग्राफी और जल निकासी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो है बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चल जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, नंदन वन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नंदन वन किसको समर्पित करता है? तो नंदन वन आपको पता है, नंदन से आप समझ गए होंगे, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, किससे संबंधित है? लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहीं पे ये पूछ लेता आपने से कि जापानीज गार्डन किससे संबंधित है, तो ये भी अपन आंसर ले सकते हैं लॉर्ड शिवा, क्योंकि पैगोड़ा में एक शिवालय भी बनाया जाता है, तो लॉर्ड शिवा उसका आंसर ले सकते थे। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा ले इस क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ी समझने का और थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी क्वेश्चन अच्छा है ये। ठीक है, कि कालिदास ने उल्लेख किया है कि किस लता ने शकुंतला का वादन किया? शकुंत यानी लता, लता एक झाड़ी है। ठीक है, याद रखिए, इसमें कहीं कोई किसी का नाम नहीं है, लता पेड़ पौधों से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, लता ने शकुंतला का वादन, क्योंकि कालिदास जो है इन्होंने बहुत ही, इनकी एक किताब है शकुंतला ही करके, इनकी एक बुक है, उसमें इन्होंने बहुत ही जो है वृक्षों का वादन किया, यानी वृक्षों का बहुत ही वर्णन किया इन्होंने, कालिदास जी वृक्षों के वर्णन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। किनका? कालिदास का, याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोलते हैं कि लता ने शकुंतला का वादन किया, तो उसका नाम पूछ रहे हैं अपने से, लता का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, शकुंतला, तो शकुंतला उसको नॉर्मली उसका बर्ड है, तो शकुंतला का ही अपने से बॉटनिकल नेम पूछ रहे हैं इसमें कालिदास में। ठीक है, शकुंतला का जो बॉटनिकल नेम है वो है हिप्टेट मद ब्लोटा, याद रखिएगा, हिप्टेज मड ब्लोटा। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, यानी क्या है? हिप्टेज मद ब्लोटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चल चले चले। तो नेक्स्ट है आपका, फारसी उद्यान में कौन सा पौधा अनंत काल के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है? कौन सा पौधा भाई अनंत काल के प्रतीक के रूप में लगाया जाता है? विच प्लांट प्लांटेड अ सिम्बियोट ऑफ अल्टरनेटी एंड पर्शियन गार्डन, याद रखिएगा, इसको अपने याद रखा, पर्शियन गार्डन की विशेषता आपने से पूछ रहा है। तो पर्शियन गार्डन में सबसे इंपॉर्टेंट पौधा कौन सा माना जाता है? तो पर्शियन गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट पौधा माना जाता है साइप्रस, याद रखिएगा, साइप्रस है ना, साइप्रस जो पौधा होता है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है पर्शियन गार्डन के लिए। इसकी एक स्लोगन भी चलता है इनका कि जो है पर्शियन गार्डन में साइप्रस को क्या माना जाता है? साइप्रस को मृत्यु शशावता का प्रतीक माना जाता है, मृत्यु और शशावता, शस्यवता। ठीक है, याद रखिए, मृत्यु और सस्वता, सस्वता का प्रतीक माना जाता है। किसको? सस्वता मतलब किसी को, मतलब भावनाओं के व्यक्त करना, सास्वता। ठीक है, तो जो क्रप्स है, क्रप्स जो साइप्रस, सॉरी साइप्रस जो पौधा है, ये फारसी जो फारसी उद्यान विज्ञान है, इसमें मृत्यु और सस्वता का प्रतीक माना जाता है, याद रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि बगीचे में किस चरण में खूंटे का उपयोग करके चिन्हित क्षेत्रों को डिजाइन किया जाता है और चिन्हित जमीन पर स्थायी विशेषताएं लगाई जाती हैं? इन विच स्टेप ऑफ गार्डन डिजाइनिंग द एरियाज मार्क्ड यूजिंग पेग्स एंड, पेग्स मतलब खूंटियां, पेग्स का मतलब क्या होता है? खूंटियां, पेड्स एंड प्लांट्स परमानेंट फीचर्स एंड मार्क्ड ग्राउंड। तो ये पूछ रहा है कि भाई परमानेंट खूंटे को चिन्हित किया है, तो परमानेंट मतलब स्थायी विशेषताएं जो है उसको क्या बोलते हैं? तो एक पैटर्न विकसित करना यानी एवोल्यूशन, या पैटर्न या पैमाने का ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ऑफ स्केल, या विश्लेषण, या पैटर्न का वास्तविकता में बदलना।
तो भाई अब किसी चीज़ों को अपने को परमानेंट जो है स्थापित करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैटर्न का वास्तविकता में बदलाव, मतलब ये जो है पैटर्न का जो है क्या होना चाहिए, उसमें वास्तविकता में बदलाव होना चाहिए। डी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोल रहा है कि भाई बगीचे में रहस्य होते हैं और आश्चर्य के तत्व खो जाते हैं। आश्चर्य के क्या हो जाते हैं, तत्व खो जाते हैं, है ना। बगीचे में रहस्य होते हैं और आश्चर्य आश्चर्य के तत्व खो जाते हैं। गार्डन हैव सीक्रेट एंड एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज इज लॉस्ट। ठीक है, तो ये जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉर्मल स्टाइलिंग स्वतंत्रता शैली के जो गार्डन होते हैं इनमें जो है शैलियाँ जो सभी प्रकार की शैलियाँ जो खो जाती हैं। यही पूछने का मतलब है कि बगीचे को रहस्य होते हैं और आश्चर्य। ठीक है, तो ये तत्व तो जो कहाँ खो जाते हैं, तो ये खो जाते हैं आपके फ्री स्टाइल गार्डन में, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से गार्डन है, फ्री स्टाइल गार्डन में, है ना। नेक्स्ट आपका जो है पौधे की बनावट निर्भर करती है, द टेक्सचर ऑफ प्लांट डिपेंड, किसके ऊपर निर्भर करती है भाई पौधे की बनावट, अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस यानी शाखाओं की व्यवस्था पर, या जो है आपका किस पर, लीफ ऑफ पत्तियों के आकार पर, या कॉम्पनेटनेस ऑफ कैनोपी, तो किस पे निर्भर करता है भाई। तो ये जो चार पौधे की बनावट, जो पौधे का टेक्सचर होता है, तो ये सभी पर निर्भर करता है भाई। लीफ पत्ती के आकार पर भी निर्भर करता है और जो है शाखाओं पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो जनरली सभी जो है डिपेंड करता है। डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा ली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि पुस्तक परिचयात्मक सजावटी बागवानी द्वारा लिखी थी, द बुक इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल, इंग्लिश पर अपने को ज़्यादा फोकस करना है भाई। ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर राइटिंग बुक किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी थी भाई, ऑर्नामेंटल, इंट्रोडक्टरी ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, तो ये जो आपकी जेसी अरोरा करके हैं, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक, किसके द्वारा, जेसी अरोरा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजी उद्यान की आवश्यक विशेषता क्या है, अंग्रेजी उद्यान की, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंग्लिश गार्डन, इंग्लिश गार्डन की विशेषता क्या है, आवश्यक विशेषता। ठीक है, फीचर्स पूछे इंग्लिश गार्डन के, बहता पानी और फब्बारा, पुल और लालटेन, तो ब्रिज और लालटेन आपको पता है किसकी विशेषता, पुल तो जो है अपनी जापानीज गार्डन की विशेषता है। ठीक है, पुल और लालटेन किसकी विशेषता है, जापानीज गार्डन की, और बहता हुआ पानी और फव्वारा, ठीक है, बहता हुआ पानी सबसे इंपॉर्टेंट किसकी विशेषता है, तो अपने को पता है भी बहता हुआ पानी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है मुगल गार्डन की। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन तो गए, बरादरी मुगल गार्डन की विशेषता है, तो अब बचा लॉन और हर्बेशियर गार्डन, तो इंग्लिश गार्डन की जो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है लॉन एंड हर्बेशियर बॉर्डर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पर भी स्टार लगा लें। डी जो है आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन की सीरीज थी, मैंने आपको पूरी क्वेश्चन की सीरीज समझा दी। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये चेंजेस हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, है ना। और आपका जो जो भी आपको लगता है कि सर हाँ ये इसका गलत आंसर दिया आपने, तो हमें कमेंट करके बताएं, जरूर उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है, और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने आपको एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।